डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज से स्ट्रीम हो रही विद्युत जामवाल की सनक पब्लिक को कैसी लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। जैसा आप समझ ही गए होंगे, आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं फिल्म सनक को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद, एक्चुअली तुरंत बाद, जरूर कीजिएगा। सनक एक थ्रिलर है। ये कहानी है एक अस्पताल की जिसे टेररिस्ट ने घेर रखा है। एक्चुअली टेररिस्ट उस अस्पताल में घुस चुके हैं और एक इंसान विवान अहूजा यानी विद्युत जामवाल उन टेररिस्ट से कैसे मुकाबला करते हैं, और ना सिर्फ अपनी बीवी यानी अंशिका मैत्रा, दैट इज एक्ट्रेस रुक्मिणी मैत्रा, उन्हें बचाते हैं, बट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, नर्सेस को, स्टाफ को, सबको बचाते हैं। एक्चुअली कहानी ऐसे शुरू होती है, विवान अहूजा और उनकी पत्नी यानी विद्युत जामवाल और रुक्मिणी मैत्रा दोनों खुश है, लेकिन सडनली उनकी पत्नी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत अर्जेंट इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। इनफैक्ट उनकी बीवी का डिस्चार्ज होने वाला है और इसलिए बेहद खुश है विवान, और विवान अपनी बीवी को घर लाने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि टेररिस्ट अंदर घुस गए हैं। अब वो कैसे उन टेररिस्ट का मुकाबला करते हैं और एक एक करके उन टेररिस्ट को खत्म करते हैं, ये बताया गया है। द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज इज जयति भार्गव, दैट इज नेहा धूपिया, और टेररिस्ट के लीडर है साजू यानी चंदन रॉय सान्याल। तो आशीष पी वर्मा ने इस फिल्म को लिखा है, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स तीनों आशीष पी वर्मा के हैं। तो सबसे पहले आइए इस फिल्म के स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हैं। स्टोरी स्टार्ट्स ऑन एन एक्साइटिंग नोट। जो शुरुआत होती है फिल्म की तो आपको लगता है मजा आएगा, बिकॉज इट टेक्स ऑफ इन अ वेरी नाइस वे, लेकिन 15-20 मिनट बाद ही स्टोरी कीप्स डिटीरिएटिंग और आपको लगता है कि बहुत लंबी खींची गई फिल्म है। आशीष पी वर्मा का स्क्रीन प्ले भी उसी प्रकार का है। इनफैक्ट एक थ्रिलर, इस प्रकार की थ्रिलर का सबसे प्री रिक्विजिट, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि वो फास्ट पेस्ड हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक्चुअली बहुत स्लो पेस्ड फिल्म है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बिताया गया है बाय द राइटर ऑन शोइंग कैसे वो वहां पहुंचा, कैसे विमान वहां पहुंचा, कैसे टेररिस्ट उनके पीछे आए, कैसे टेररिस्ट छुप गए, कैसे वो छुप गया, यानी एक्शन बहुत लेट होता है, उस एक्शन की प्लानिंग पर ज्यादा टाइम बिताया गया है और इसलिए ऑडियंस बोर भी हो जाती है और काफी जगह पर ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट होने लगता है। इनफैक्ट ऑडियंस को यह लगता है कि एक ही अस्पताल में पूरी कहानी घूम रही है, कोई वेरिएशन नहीं, कोई चेंज नहीं। यह भी चलता अगर फास्ट पेस्ड थ्रिलर होती तो, लेकिन ड्रामा इतना स्लो पेस्ड है कि ऑडियंस को गुस्सा आने लगता है। आशीष पी वर्मा के डायलॉग्स बहुत ही रूटीन से हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विद्युत जामवाल ने काम यानी एक्टिंग अच्छी की है, एंड एज ऑलवेज उनके एक्शन सीन्स लाजवाब है, ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीन्स, और ऐसे एक्शन सीन्स जिन्हें देखकर आप ना सिर्फ चौंक जाएंगे लेकिन कभी कभी आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। बट ही इज अडेप्ट एट एक्शन सीन्स एंड ब्रेथ टेकिंग, डेथ डिफाइंग एक्शन सीन्स, और इस फिल्म में भी उन्हें पूरा मौका मिलता है टू एग्जिबिट हिज एक्शन स्किल्स। रुक्मिणी मैत्रा जो उनकी बीवी अंशिका मैत्रा की भूमिका निभा रही है, शी मेक्स अ वेरी ऑर्डिनरी डेब्यू इन दिस फिल्म। बहुत ऑर्डिनरी एक्टिंग है और लुक्स में भी शी इज एवरेज। नेहा धूपिया जो टॉप पुलिस ऑफिसर जयति भार्गव की भूमिका निभा रही है, शी डजंट हैव एनीथिंग वर्थवाइल टू डू, तो इसलिए उनके काम की आप ना तारीफ कर सकते हैं और ना ये कह सकते हैं कि वो बुरी है, बिकॉज शी इज नॉट अ बैड एक्ट्रेस, बट शी डजंट गेट मच स्कोप। चंदन रॉय सान्याल जो टेररिस्ट के लीडर साजू है, उनका काम काफी अच्छा है, बट नथिंग टू शाउट अबाउट। देन देयर इज किरण करमरकर जो इविल मैन अजय पाल सिंह है, उनका भी छोटा सा रोल है, ज्यादा स्कोप नहीं मिलता है, और उन्होंने काम अच्छा किया है। बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम ठीक किया है, दे लैंड एवरेज सपोर्ट। तो ये तो ही बात परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं
डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। कनिष वर्मा के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनका निर्देशन कमजोर है। स्क्रिप्ट तो कमजोर है ही, स्क्रिप्ट तो स्लो है ही, लेकिन कनिष वर्मा के नैरेटिव के बारे में भी हम ये कहेंगे कि बहुत स्लो पेस्ड है। कभी कभी क्या होता है, स्क्रिप्ट की खामी को एक अच्छा डायरेक्टर ढक लेता है, लेकिन इस फिल्म में कनिष वर्मा वो नहीं कर पाए हैं एंड हिज नैरेटिव डज नॉट बिफिट अ थ्रिलर। फिल्म में संगीत जीत गांगुली और चिरंतन भट्ट का है और गाने अच्छे हैं, मेलोडियस है। गानों के बोल रश्मि विराग और मनोज यादव के हैं एंड वो लिरिक्स भी वजनदार है। गानों की कोरियोग्राफी आदिल शेख की है जो कि फंक्शनल है। सौरभ भालेराव और सुयश केलकर का बैकग्राउंड स्कोर ऑर्डिनरी है, सोसो है। प्रतीक देवड़ा की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। एंडी लॉन्ग यूएन के एक्शन और स्टंट सीन्स लाजवाब है। बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है एंडी लॉन्ग यूएन ने ऑफ द एक्शन एंड स्टंट सीन्स। प्रोडक्शन डिजाइनिंग by Sani S. Johre and art direction by Ram Charan Tej Labani are both appropriate. और संजय शर्मा की editing काफी sharp है. Of course, inherently slow script और inherently slow narrative जो है वो editor की गलती नहीं है. तो overall सनक एक below average film है. इसमें भले ही विद्युत जामवाल का काम बेहतरीन है, लेकिन वो काम भी इस फिल्म को सेव नहीं कर पाएगा because the film doesn't have anything except विद्युत जामवाल's breathtaking action scenes. Overall, a poor show. तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ सनक? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और अगर आपने भी इस फिल्म को देखा है तो हमें यह भी बताइएगा अपने कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड यस यू सेड इट, स्टे ट्यून्ड।